अबे काका हनी बाजू ये रिंग वो देखो समोसा खा रहे इधर है और स्टीम लेंगे तो भी स्टीम मोमोज लेंगे यहाँ पर बोलते हैं इसको भेज चट और पानी पूरी भेज खाएंगे हम भेज वाले मोमोज चलो खाते हैं खाए खाए खाओ मैं जशन और हनी आया हुआ है इधर वीडियो बना रहे हैं इंस्टाग्राम पे चेकआउट करनी है तो यहाँ पर शो हो रहा है हमारी आईडी और लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके फॉलो करो क्या लाइक कर दो सब्सक्राइब कर दो शेयर कर दो कमेंट भी कर दो ये So guys, this is IPS Bros and IPS Vlog is here. आज है थर्ड डे हमारा बाल लीला गुरुद्वारे में जैसे आपने पिछले देखा हमने बड़े सारे गुरुद्वारे करे कवर आज भी हमारे तीन गुरुद्वारे जो फिल्म करेंगे कवर फिलहाल मेरे साथ में कीरत आपको दिखाता हूँ कीरत चार तो हम देख लेते हैं रहते हैं हम नहीं जाना नहीं चार हो रहते हैं एक बहुत दूर है 100 किलोमीटर दूर है वहाँ जाएंगे नहीं तो अभी अंदर सारे तैयार हो रहे हैं आपको दिखाता हूँ तो इसको मेरा तेरी चलो अंदर चलता हूँ लो जी ये रे सारे हनी येरा हनी हेलो करो भाई इधर फोटो शूट चल रहा है इधर फोटो शूट चल रहा है एक और गुड मॉर्निंग हनी गुड मॉर्निंग ओए तो आज नानू करेंगे व्लॉगिंग करोगे आज करोगे ये लो पकड़ो ये लो बनाओ वीडियो बनाओ यहाँ से हेलो बोलो हेलो बोलो आज हम जो हमारे गुरुद्वारे जाएंगे आज हम जो हमारे गुरुद्वारे बजे हम वहाँ जाएंगे और दर्शन करके शाम को वापस आएंगे तो गाइस ये देखो प्रभात के रही है पटना साइड से बाल लीला गुरुद्वारे में तो आप दर्शन करो गाइज अब बाल लीला गुरुद्वार से पटना साहिब वापस जा रही है पर बात ले रही है आप देख सकते हो मैं घूम के आगे कुछ ऐसा सब व्यू है अभी मैं इनकी इंस्टाग्राम रील्स बना रहा हूँ तो मेरे को लगाया हुआ सब की स्लोमो बनाई है अभी मैंने तो दर्शन यारी एक बार हेलो करो तो चलो अभी हम फोटो वगैरह खींचते फिर आपको मिलते हैं दर्शन पता नहीं कहाँ चलेंगे इधर आ जा अभी मैं जा रहा हूँ कहाँ पर है दर्शन है क्या कोई है हाँ है ये रही देखो कितने आई रे
तो बाबा जी ने दातन की थी। लो जी गाइस देखो, हाँ आप बताओ, आप बोलो। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। ये जो पेड़ है इस करौंदा नाम करौंदा है। श्री गुरु गोबिंद सिंह जी ने बचपन में करौंदे की दातन करके जमीन में गड़ दिता, वचन दिता कि इस दातन तो करौंदे का दरखत बनेगा, जो भी प्राणी करौंदे का फल जो उसकी भावना करके छकेगा परमात्मा उन्हों की सरबत भावना पूरी करेंगे। लोड़वंद प्राणी जिन्हों के कार औलाद ना हो ग्रंथी सिंह को अरदास करवा के करौंदे का फल लैके छकन, चाहे उन्हों की सारिया मनोकामना पूरी कर। तो ये है हिस्ट्री, हाँ जी। ये लो भाई, हम सारे जा रहे हैं मठा टेकने, चले तो चलो फटाफट से। मैं नहीं रख सकता, मेरे पैर में चोट लग गई। मामी गिम्बल लेके जा सकते अंदर? चलो भी आ गया, नानी जशन यहाँ बैठे हैं। अच्छा चलो चलो हम भी खा के मिलते हैं। तो मैं जा रहा हूँ लंगर हॉल, सारे अंदर हैं। मेरे को छोड़ते हैं गोरी बाबा जी ने वहीं बैठे। लंगर खाने बाकी हो रहे मामू के साथ में। अभी हमारे 3 गुरुद्वारे रह गए हैं, तो बाहर गाड़ी हुई है, तो चलो चलते हैं बाहर। स्कॉर्पियो करी है, ये लेके जाएगी हमें बाकी गुरुद्वारे, तो चलो चलो बोलो। सीपियां लेने हैं, सीपियां। अभी हम आए गंगा जी के पास, तो आज तो कुछ दिख ही नहीं रहा। ये देखो लिट्टी चोखा फेमस। आलू नहीं है, लिट्टी चोखा है, बिहार की फेमस डिश है। और माता जा रहे हैं हम नीचे, वो तो पहुंच भी गए। चलो चलते हैं नीचे, लग गया सारे काम पे। ये देखो ये है सिपियां, इनमें से मोती निकलते हैं। मोती निकलते हैं ना, देखो अंदर से
तो भाई देख लो, आपकी वीडियो बना रहा हूँ आदि, मेरे नाम पे 50-50 करेंगे। सीपियाँ ले ली हैं तो फोटो वगैरह खींच लिया और चलते हैं। कौन से गुरुद्वारे जा रहे हैं? तो चलो चलते हैं। तो भाई ये देखो, गंगा घाट के किनारे पे अंकल बहुत फेमस है, ये चाय देते हैं। कुल्लड़ में इनकी बहुत टेस्टी चाय है, जब भी आओगे पटना साहब तो एक बार पी के जी देखो। नहीं, ये देखा होगा यूट्यूब पे बहुत फेमस है। तो यहाँ की हम इनकी स्पेशल चाय पीने आए हैं, कुल्लड़ वाली। सारे मामी को लाया कर, जो यहाँ की चाय है ना भाई बहुत टेस्टी है। एक कप कितने? तो गाइस अभी हम जा रहे हैं गंगा घाट गुरुद्वारे में। महात्मा गांधी मिल गए हैं, वो भी साइकिल पे। साइकिल पे चलना है ना, तो अभी नहा के आ रहे हैं ना, उनको ठंड कहाँ से लगेगी। इन्हें उल्टा लड़का जी, इन्हें वोट नहीं देना। थे स्कॉर्पियो S3 तो अंदर चलते हैं, सारे जा रहे हैं घाट, तो चलो चलते हैं, फिर आपको मिलते हैं अंदर। मम्मी बताएंगे यहाँ का इतिहास। गुरुद्वारा गाय घाट गुरुद्वारा, इस भूमि को अपनी पहली पूर्व उदासी यात्रा के समय श्री गुरु नानक देव जी ने यहाँ आकर भक्त जैतामल जी के इस भवन को पवित्र किया तथा संगत का नाम दिया। नौवें गुरु श्री गुरु तेग बहादुर जी ने अपनी पूर्व यात्रा के दौरान पूर्वास समेत इस स्थान पर निवास किया। दर्शनीय वस्तु यहाँ पर खड़ा साहब है जिसके ऊपर गुरु जी आकर बैठते थे। हर श्रृंगार का वृक्ष जिसके साथ गुरु जी ने घोड़ा बांधा था। गुरु परिवार की शक्ति है खिड़की साहब जिसे श्री गुरु तेग बहादुर जी घोड़ा साहिब पास पार करके महल में प्रवेश किए। यहाँ श्री गुरु ग्रंथ साहब जी का प्रथम प्रकाश पर्व प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। तो ये है यहाँ का इतिहास। तो चलो अब किससे बातें कर रहे हो? गुरु तेग बहादुर जी इस पेड़ के साथ घोड़ा को बांधते थे, अब अंदर जाते थे। अच्छा। जी के महाराज अपने हाथ को लगाए से उन्हें बल देते हैं, शक्ति देते हैं। वीडियो तो हाँ जी वाला काम कर दिया, पू कर दिए ठंडी बहुत देख लिया, बट गया देखो साइकिल के साथ में, वो देखो चप्पल भी बांध रखी है। फ्री हो गए, अब हम जा रहे हैं दूसरे वाले गुरुद्वारे पे, तो चलते हैं।